नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुँचे हैं सेक्टर 37 हाउस नंबर 1020। और आपको बता दें, मामला बहू को घर से बाहर निकालने का है। क्या है पूरा मामला वो जानेंगे। और हमारे साथ हैं, क्या नाम है? दीपा अग्रवाल। दीपा जी हमारे साथ हैं। दीपा जी, क्या हुआ था, क्या हुआ है जो आज आपने फ़ोन करके बुलाया है, क्या समस्या है? सर, मैं दुकान पे थी अपने, वहाँ पे मेरे पास फ़ोन गया कि मेरे घर से कुछ सामान निकाला जा रहा है। फिर मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ गया, मैं अपने भाई के घर रह रही हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरा सामान ना ससुराल वालों ने भाई के यहाँ भेज दिया है कुछ। अच्छा। मैं आई, मैंने फिर पुलिस को कंप्लेंट की, गई मैं पुलिस के साथ वहाँ पे मैंने देखा मेरा वहाँ पे सामान निकाल के मेरे ससुराल वालों ने मेरे भाई के घर भेज दिया है। अच्छा। जी, तो ये कहाँ शादी कहाँ हुई थी? 917 37 सेक्टर फरीदाबाद। 37 सेक्टर में किसके साथ? सोहित अग्रवाल। सोहित अग्रवाल, तो ऐसा क्या हुआ जो आपका सामान यहाँ भेज दिया, और क्या क्या बात कर रही? लास्ट ईयर 11 दिसंबर को मेरे हस्बैंड दुकान से घर आ रहे थे, आश्रम पे उनको एकदम ब्रेन स्ट्रोक आया, उनका बीपी 250 चला गया, उनको एक ऑपरेशन वगैरह किया गया, वो काफ़ी दिन वेंटिलेटर पे रहे, 19 तारीख को वो चले गए, 13-14 दिन तकरीबन मैं इन लॉस के साथ थी। उस दिन के बाद से उन्होंने मुझे रहने नहीं दिया, फिर बोला कि भाई के घर जाओ बच्चों को लेके। अच्छा। मेरे सामान, मेरे कपड़े, मेरे बच्चों के, हमारा सब कुछ वहीं था। दीपा जी, कितना समय हो गया? 12 साल हो गए, 13वां साल लगा हुआ है। 12 साल हो गए। कितने बच्चे? 5 साल की बेटी है, 10 साल का बेटा है, 2 बच्चे हैं। तो जब पति की डेथ के बाद ससुराल में, मतलब जो ये सारा शुरू हुआ जी, जिस टाइम मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे, जो इनकी चाची का बेटा था, जो 1.5 साल पहले हमारे ऑफिस में जॉब भी करता था, उसका नाम ध्रुव अग्रवाल है, उसको मेरे ऑफिस की सारी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन पता थी। उसने जिस टाइम भी वेंटिलेटर पे थे, उसने खुद सोहित बनके कंपनियों से माल उठाया इनके नाम पे। अच्छा। इनके फ़ोन उसी के पास थे, उसने उनके पासवर्ड चेंज करे, 16 तारीख को उसने पासवर्ड बदले, जब इनको बिल्कुल भी होश नहीं था, ये बिल्कुल भी अपने उसमें नहीं थे। उसने 70 लाख का उसमें गमन करा, 400 सिलेंडर्स उस दिन उतरे थे जिस दिन इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, जो हमारे गुजरात से आते हैं, इसने वो भी नगद में बेच दिए। फिर अभी मुझे लास्ट वीक पता चला कि मेरे जेठ ने, जो मेरे हस्बैंड का भी घर था, वो अपने नाम करा लिया, जो मेरे को पता चला। अब इन लॉज, मेरे बच्चे भी साथ थे, वो ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ बड़े को देंगे, और ध्रुव के खिलाफ भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। 10 मंथ्स हो जाएंगे अब, इसलिए चुपती कि घर का मैटर है, चलो घर में ही रहेगा, एक बार है, दो बार है, चलो कोई बात नहीं। एक कभी कभी जाती थी, बच्चों की किताब कपड़े वगैरह लेके आ जाती थी, भाई के साथ जाती थी जी। मेरा काफ़ी सामान वहाँ पे रखा हुआ है, ऑलमोस्ट मेरी, आप सोचिए घर बसता है तो क्या सामान नहीं होता वहाँ पे। 12 साल की ज़िंदगी में एक मिनट में उन्होंने छू कर दी। तो ससुर जी हैं जी, क्या नाम है? सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल, तो वो कुछ नहीं कहते? उनको ये कि एक बेटा जो है, हमें उसी के साथ रहना, सब कुछ उसी को देना है। अच्छा। तो क्योंकि बड़े जेठ पे कर्जा भी बहुत है, 12 सेक्टर में उसके नाम पे कई मुकदमे वगैरह भी चल रहे हैं, तो उनको ये कि जो बेटा है अभी, हमें उसी का साथ देना है, क्योंकि उन्हें शायद मेरे ऊपर ट्रस्ट ना हो कि मैं उनका कर पाती नहीं कर पाती, लेकिन शायद मैं कर लेती, लेकिन उन्होंने शायद सब कुछ उसी को दे दिया। उसमें घर में जो ससुर की प्रॉपर्टी है, जो भी है, उसमें तो आपका भी हिस्सा है, आपके पति का हिस्सा था, आपके बच्चे हैं तो उनका भी। सर, मेरे भाई के घर को वो लोग कहते हैं कि इनका घर था, चाहो तो कागज़ तो कभी झूठ नहीं बोलते, आप कागजों को निकलवा लो कि वो मेरे भाई का घर है या मेरे हस्बैंड का घर है जिसमें मैं अभी रह रही हूँ। और मेरे हस्बैंड की गाड़ी जो थी वो बैंक लोन पे थी, और वो लोन पे ही वो उसको ले जाते उठा के गाड़ी को बैंक वाले, लेकिन भाई ने कहीं ना कहीं से वो पैसे अरेंज करके गाड़ी अपने नाम कराने की कोशिश करी कि घर की चीज़ घर में रहे, नहीं तो वो गाड़ी भी ले जाते बैंक वाले। अगर किस्त नहीं भरोगे तो? 5 साल का उस पर लोन था, 2 साल हो चुके थे, 3 साल की किस्त बची थी जिसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे दी। सर, इंश्योरेंस वगैरह जो भी आया होगा पैसा, वो इन लॉज के पास गया, मेरे पास कुछ नहीं गया। तो मतलब आपका कहना है कि जो ससुर हैं और जेठ हैं, ये सब मिलकर आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं जी। और
और सर मुझे मेरे उन पैसों का भी, मुझे कि मैं उन कंपनियों का कर्जा भर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की दुकान थी वो, आप कि कोई वेंटिलेटर पे आप उसके नाम से कैसे फ्रॉड कर सकते हो सर? आप उसके फ़ोन का मिसयूज़ नहीं कर सकते? आप ध्रुव सोहित कैसे बन गया सर? क्या मैं, आप मैं बन के कुछ पैसे निकाल सकते हैं सर? ये क्राइम ही हुआ ना, तो पहले सोचा देवर है, चल कोई बात नहीं आगे वही चला लेगा, लेकिन अगर आप वो ऐसे गुडविल ख़राब करेगा तो कल को आगे कितनी दुकान की बदनामी होगी। बिल्कुल सही बात है जी। तो वो मतलब जितना भी जो भी आपका जो बिज़नेस था वो सारा वो हड़प रहे हैं और जो भी पैसा था वो सब ले रहे हैं और आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं ताकि कुछ देना ना पड़े। सर मैं इस चीज़ में बोलूँगी कि जनवरी जब मुझे ये चीज़ें पता चली, मैं दुकान पे जाना मैंने शुरू करा, मैं उस दुकान को खुद हैंडल करती हूँ, जो उस टाइम पे उसने लिया था या जो भी उसने पैसे वगैरह लिए थे वो एक अलग मैं माइंड में कि इस, लेकिन मैं उस दुकान को जो माइनस में है, बैकफुट पे है, उसको धीरे धीरे पर्डे उठाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे बेटे को मैं बैठाऊँ। मेरा बेटा जो अभी 10 साल का है, उसके पापा ने एक अच्छा खासा नाम कमाया हुआ है, 15 साल की उम्र से वो इस लाइन में थे, कोई उनके नाम पे धोखाधड़ी करके पैसे कमा ऐसे ले कर चला जाएगा और फिर कह रहे हैं कि मैं ले कर चली गई। आस पड़ोस वाले इकट्ठे हो जाते हैं उन, क्योंकि उन्होंने उनको बोला 10 महीने से मैं कहीं नहीं आई, किसी पड़ोस के घर पर मैं नहीं गई, वो सबसे जाके कहते हैं कि जी अपनी मर्जी से चली गई, किसी को भी ये नहीं बताते कि उन्होंने मुझे 13-14 दिन बाद रहने ही नहीं दिया, मुझे कहा बहाने से मुझे मेरे भाई के घर भेज दिया कि आप 1-2 दिन रह के आइए, सब आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सर 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हुए, कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद जहाँ मैं 12 साल रही, आप चाहे तो पड़ोस में पूछ लो, वो उनसे कह दिया कि जी वो अपनी मर्जी से नहीं आई क्योंकि भाई के घर रहना चाहती थी। इसको जैसा बताओगे तो वैसे समझेगा कि... सर मैं दुकान देखती या मैं घर घर जाके घूमती, मैं घर घर जाके बताती कि नहीं जी मेरे साथ ये हुआ है ये हुआ है, मेरी दुकान पहले ही उन्होंने कर्जे में कर दी, कभी मेरे पति ने किसी से कर्जा नहीं लिया, वो 1 महीने में कर्जे पे कर गया, 22 साल का लड़का, कल को वो क्या भविष्य अपना बनाएगा सर? क्या नाम है? ध्रुव अग्रवाल नाम है। मैं उसके, अगर आप पेपर्स कहोगे ना, एक एक पेपर है मेरे पास, HDFC बैंक के जो मैनेजर है मयूर विहार, उन्होंने कहा भाभी आपको जहाँ मर्जी जैसे मर्जी इसके लिए बोलना हो, कंप्लेंट करनी हो, हम बोलेंगे। 11 को अटैक आया है, उस रात से वो फ़ोन चला रहा है, उसने सोहित अग्रवाल के फ़ोन से, ध्रुव अग्रवाल ने UPIs करे हैं, सारे पैसे ट्रांसफ़र करे हैं, गले में 20 रुपये छोड़े हैं, अकाउंट में 900 रुपये छोड़े हैं, सभी पार्टियों से उसने पैसे लिए। अगर मैं झूठ भी बोल रही हूँ, मान लो मैं ड्रामा भी कर रही हूँ, मैं गलत भी बोल रही हूँ, कागज़ तो झूठ नहीं बोलेंगे ना सर? जिसने पैसे दिए वो भी झूठ, हाँ वो भी झूठ नहीं बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। और सर जिस घर में आप खड़े हो वो मेरे भाई का घर है, पहले मेरे हस्बैंड जरूर इसको लेने की सोच रहे थे लेकिन वो अचानक इंसिडेंट हो गया, वो नहीं ले पाए, दुनिया को ये लगा कि ये शायद मेरे, क्योंकि मैं पैसे कहाँ से लाती सर? सर मैं अपने बच्चों की फ़ीस दे दूँ, मैं यही बहुत है जी, बिल्कुल। और कैसे उनको कैसे पाले पोसें क्या करें जी, वो एक बड़ा सवाल है। अभी बहुत छोटे छोटे हैं और ये दादा दादी उनसे ये कहते हैं कि हम आपको जानते ही नहीं, उनके सामने उनको घर से क्या तो उनके दिमाग पे जाएगा और क्या मेरे उस पे असर जाएगा। बिल्कुल जी। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बहू को उसके ही घर से ससुराल वाले निकाल देते हैं और जो भी कुछ उसके पति ने अर्जित किया था, जो बिजनेस किया था, जो काम धंधे में जो पैसा कमाया था, उस सब को भी वो पूरा हड़प लेते हैं। और वो जो दुकान थी, दुकान किस चीज़ की थी जी? गाड़ियों में CNG लगाने की, जो गाड़ियों में CNG किट लगाने की दुकान थी, CNG की दुकान थी, उसको भी पूरा मतलब तहस नहस कर देते हैं, वो पूरे पैसे खा जाते हैं और जो पार्टियाँ होती हैं उनसे भी पैसे ले लेते हैं उनका फ़ोन यूज़ करके। अब आप समझ सकते हैं एक अकेली अकेली महिला क्या करे जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उनका लालन पालन करे, कैसे उनको पढ़ाए लिखाए। और जब ससुराल में जाती है तो उनके दादा दादी जो हैं वो इस तरह से बात करते हैं, बिहेव करते हैं, बच्चों पर क्या असर पड़ता है? क्या नाम? सर मेरा नाम दीपक गोयल है जी। क्या है ये पूरा मामला? सर मामला जब से जिया जी हमारे एक्सपायर हुए उस दिन से इन्होंने उनका काम हड़पने की कोशिश करी। अब सिस्टर मेरी पढ़ी लिखी है, सिस्टर ने बोला कि भाई मैं अपना बिजनेस संभालना चाहती हूँ अपने ध्रुव से, संभाल भी लेती हूँ, MBA कर रखी है सर। बिल्कुल। तो इन्होंने बोला अपने ध्रुव, जो ध्रुव अग्रवाल नाम बोल रही है, कि
ब्रदर इन लॉ से कि मैं भैया अपना काम करना चाह रही हूँ अब, या तो आप मेरे साथ ज्वाइनिंग कर लो, दोनों साथ में कर लेंगे। उन्होंने बोला नहीं मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा और ना मैं आपको दुकान पर जान दूँगा। अच्छा। तो हमने बोला भैया चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो तो अब बीवी बच्चे इनके क्या, बच्चे क्या करेंगे, कब तक कौन किसको पालेगा सर, आप खुद ही सब समझदार है। जब जिसके दस साल का एक बच्चा है, पाँच साल की एक भांजी है, वो दूसरों पे बच्चों पे कैसे, उसके जो जो जैसे ध्रुव की अभी शादी नहीं हुई है, कल को उसकी शादी होगी, उसके बीवी बच्चे आएंगे, वो क्या पालने देंगे, कितना कारोबार उन्होंने फैला रखा है, क्या नहीं कर रखा। उसके बाद हमने इनसे हिसाब मांगा कि भाई अपने 40 दिन आप बैठे, तो सिस्टर ने हमारी हिसाब मांगा कि आप बताइए क्या है क्या नहीं है। इन्होंने टॉर्चर करना चालू कर दिया, गालियाँ देना चालू कर दिया, बदतमीजी चालू कर दी, घर से बाहर निकालने की धमकियाँ देने लगे, उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। फिर इन्होंने क्या करा, 13वीं से एक दो दिन बाद ही कि किसी बहाने से मेरे पास कि भाई तू इसको रख दो चार दिन माइंड, कि दो चार दिन तुम रखो इसको, माइंड डाइवर्ट रहेगा। फिर चार दिन बाद हमने फ़ोन करा कि मैं छोड़ने आ जाऊं जी, या आप लेने आ रहे हैं, नहीं नहीं अभी रख लो और थोड़े दिन रुको और थोड़े दिन रुको, ऐसे कर करके इन्होंने टाल मटोल करते रहे सर, काफ़ी टाइम तक करते रहे। हमने सोचा भाई कोई बात नहीं, रिश्तेदारी है, क्या पता सिस्टर को ऐसे समझ रहे होंगे सर। फिर बीच में क्या हुआ, जैसे बच्चों के स्कूल चालू हो गए, इन्होंने रखने को फिर थोड़ा करने लगे, हम भी फिर हमें समझ में नहीं आया क्या करें। तो हम बीच में जो ये कह रहे हैं, एक दो बार सामान लेके गए, हम क्या करा भैया, जो बच्चा अभी स्कूल की यूनिफॉर्म है, कॉपी किताब रखी है बच्चों की घर पे, कपड़े हैं, अब इतने पैसे तो है नहीं हम दोबारा दिला सके उनको। तो हमने वो जो जेन्युइन जो सामान था, खाली कॉपी किताब का अपने डेली यूज़ का सर, वो तो हम लेंगे ना, हमने खाली वो ले जाके अपना ताला लगा दिया। अब इन्होंने क्या करा सर, अभी डेढ़ दो हफ्ते पहले मैं और सिस्टर घर पे गए तो हमने देखा ताला चेंज था। अच्छा। तो हमने बोला कि भाई ताला कैसे चेंज है। ससुर बोला तुम कौन हो, बाहर निकलो यहाँ से। अच्छा। मैंने कि ये क्या बात हुई जी, हम कौन है, नहीं नहीं बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो बिल्कुल। फिर हमने सर 112 पे कॉल करी, 112 पे हमने कॉल करी, 112 वाले आए, उन्होंने हम दोनों को पार्टियों को थाने में बुलाया, उन्होंने बात सुनी, दोनों पक्षों की बात सुनी, उन्होंने बोला सीधा आप कोर्ट में जाओ जी, कोर्ट का मैटर है जी, इससे ही लड़ेंगे, अब ताला तो हम तोड़वा नहीं सकते क्योंकि अब आप वहाँ फिलहाल हो नहीं। मैंने चलो जी सर कोई बात नहीं, अब पर हमारा जो सामान है सर, कह रहा कोई बात नहीं सामान आपका कहीं नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। मैंने ठीक है सर। अब क्या होता है, कल त्यौहार भैया दोस्त का पूरा हुआ, हम भी नहीं चाहते थे कि त्यौहार वाले दिन त्यौहार से पहले हम कुछ कार्रवाई करें कुछ करें, कि तो त्यौहार सबके हैं, हमारे हैं, उनके हैं। तो इन्होंने क्या करा सर, आज सुबह अभी यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखा था, अब वो थोड़ा बहुत हम ऊपर लेके क्योंकि सर यहाँ नहीं छोड़ सकते, जो दूसरी न्यूज़ में हमने दिखाया इन्होंने यहाँ भेज दिया। पीछे से मेरी मम्मी का मदर का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तेरी सिस्टर का सामान रख के गए हैं यहाँ पे हमारे घर पे नीचे पार्किंग में। मैंने कि ऐसे कैसे रख जाएंगे, तो मैंने आके देखा तो यहाँ सामान था। मैंने सिस्टर शॉप पे थी, मैंने सिस्टर बुलाई शॉप पे से सिस्टर को बुलाया, बुलाने के बाद आके हम दोबारा वहाँ गए, 112 हमने कॉल करी, 112 कॉल करने के बाद उन्होंने बोला भाई ताला तोड़ के सामान लो। मैं सर ताला तोड़ के सामान हम क्यों निकाला, हम तो रहना वहीं है, हमारी बहन कहाँ जाएगी जी, छोटे छोटे बालक है। मैंने कह रहे जी हमने कोठी दिला दी, बंगला दिया, क्या कोठी दिला दी भाई तुमने, क्या बंगला दिला दिया, उसके पति का हक, वो उसका पति आपके, अगर मेरी मिसिस पे मेरा हक ही तो है, बाप के और मेरे प्रॉपर्टी पे मेरे पोते का हक रहेगा, तो आज मेरा भांजा उसका उस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं बनता क्या, उसके बाप की पे भी है और उसके दादा की पे भी है, तो बस बाप की प्रॉपर्टी पे वो अपने लिए लड़ रहा है, दुकान ली उसने कि पापा दादू मैं चलाऊंगा वो लगाऊंगा, उसकी मदर उसके लिए तो कर रही है, वो दुकान छीनने के बाद अब कहते हैं कि मकान में से कुछ नहीं देंगे, जिसमें कि वो किराए की दुकान है जो हम काम कर रहे हैं। जो सामान भेजा होगा वो तो छोटा मोटा सामान सर, छोटा मोटा नहीं, उसमें सर इन्वर्टर है, मतलब पीछे की जो बालकनी में सारा सामान था धीरे धीरे करके। हाँ, और कुछ टाइम पहले इन्होंने भांजे की साइकिल भेज दी, बिना बताए रख गए यहाँ, उससे पहले जूतों के स्टैंड रखे। मैंने चलो कोई बात नहीं जी, हम जब भी शांत रहे जी, कोई बात नहीं, रिश्तेदारी ना बिगड़े जी, कभी ना कभी बच्चों पर तरस आ जाएगा जी, बच्चे तो उनके ही हैं जी, खून तो उनके रहेंगे, हमने तो ब्याह के अपनी बहन दे दी पर बालक तो उनके रहेंगे जी। लेकिन इसके अलावा भी और भी सामान होगा घर में, तो सर काफ़ी सामान है, कीमती सामान हमारा वहाँ रखा हुआ है, बेड है, सोफ़ा है, अलमारियाँ हैं, बर्तन है, खाली हमने जो सामान हमने उठाया वो खाली कपड़े लत्ते जो डेली यूज़ के थे सर, वो कहाँ तक खरीदे जाएंगे आप खुद समझ आ रहे हैं, जो घर में रखे हैं हमने वो बस हमने वो सामान निकाला। इन्होंने उस दिन से भैया नहीं यहाँ नहीं फलाना नहीं निकलो आज धमकी दे रहे मेरे को, जब मैं घर पे गया तो कोर्ट में चला जाते, कोर्ट में देख लेंगे तुझे तो हम अभी देख लेंगे, तू क्या है कौन तू। मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जी, मैं अकेला हूँ, मेरे पिताजी नहीं है,
मेरी दादी है बस, मेरा एक मदर है, एक मेरी सिस्टर है, इसके भी हस्बैंड नहीं है, और एक मेरी वाइफ है, उसका मेरा एक छोटा बेटा है। अब ये लगाओ 6-7 जनों पे, भैया मैं अकेला करने वाला, भैया मैं तो लड़ाई झगड़ों से डरता हूँ, मेरे बस की तो नहीं भैया तुमसे लड़ना। तो दीपक जी अब आप क्या चाहते हैं? भैया चाहते कुछ नहीं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली इंसाफ चाहिए। जो कोर्ट देगा, जो आपकी आवाज़ से ऊपर तक आवाज़ जाएगी, हमें खाली वो चाहिए। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी बदतमीजी नहीं करनी है, हमें किसी कुछ नहीं करना। हमारा हक हमें जो बनता हो, मेरा हक तो है ही नहीं, वो मेरी सिस्टर का है, मेरे भाणजों का है, मेरी भाणजी का है, मुझे नहीं चाहिए जी कुछ भी। पर मैं तो एक अब मैं यूं साथ रहने वाला तो मैं ही करूंगा जी। बिल्कुल जी, बहन जब तो जब उन्होंने हाथ छोड़ दिया, हमने तो ये सोची इतना बड़े परिवार है, जब शादी करी हमने कि एक साथ रहते हैं। आप भी नहीं करते तो कहाँ जाते? कहीं भी नहीं जाती जी, कहाँ रहती? एक बड़ा सवाल फरीदाबाद, आप समझ सकते हैं कि इस तरह से बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है ससुराल के द्वारा। अब जैसे कि यहाँ भाई है, अब भाई भी अगर ना होता या ना रखता तो बहन कहाँ जाती? लेकिन सबसे बड़ी बात कि बहू की जगह ससुराल में है, बहू का हक है ससुराल में, और उसके बच्चे हैं उसका हक है अपने पिता की संपत्ति पर, अपने दादा की संपत्ति पर। तो फरीदाबाद, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया घर से, और उनका जो भी बिजनेस था, जो सामान था, वो सब हड़प लिया है। अब देखते हैं इसमें क्या आगे होता है। हालांकि परिवार तो न्याय की मांग कर रहा है कि किसी तरह से इनके साथ न्याय हो और जो इनके बच्चों का हक है वो इन्हें मिले। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।